हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो यार कैसे हो आप लोग? नाश्ते में आज बना हुआ है साग नाल देसी घ्यो नाल मक्की दी रोटियां। पहले नाश्ता वगैरह करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अभी का सीन कुछ इस तरह है कि यार मैं गया हुआ था वो टाउनशिप मार्केट, वहां पे मैंने अपना आईफोन 6 सही करवाया और पावर बैंक के 2 मैंने सही होने के लिए दी थी। तो आज तकरीबन 6 दिन हो गए हैं, उसकी मुझे एक दिन कॉल आई है, अस्सलाम वालेकुम भाई यार वो पावर बैंक थी आपकी। मैंने कहा जी, उससे 700 लगेगा। मैं जी अच्छा, मैं इतने पैसे क्यों लगेंगे? मैंने कहा यार को 300-400 में काम कर दो। कहते नहीं नहीं भाई, अच्छा मैं आपको ना कॉल करके बता इधर आके खत्म हो रहा है, लाहौर है वो पीछे इशारा लगा हुआ है। यार इतनी ठंड हो रही है ना इस वक्त, इतनी ठंड है मेरे हाथ इस तरह हो रहे हैं जैसे ना बर्फ पे नहीं लगे होते, जिस जो हिसाब है वही हिसाब होया हुआ है जे जितना किसी ने बर्फ चलाए होंगे ने। मैं उनकी बात कर रहा था, वो इशारा है और इधर तक लगा हुआ है रश। हाय 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 हाय। दरअसल इस टाइम टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बज रहा है, क्या इस वक्त छुट्टी हुई है। तो जब सुबह सुबह टाइम जहाँ रश होता है 8 बजे, या फिर दोपहर को रश होता है या फिर शाम को रश होता है, बाकी वाला जो टाइम है ना लाहौर में वो आपको रोडें तकरीबन खाली मिलेंगी। इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा, मेरे हेलमेट के आगे सारा स्मोकी स्मोकी हो गया है, मुझे हेलमेट का शीशा खोलना पड़ेगा। माफ़ कीजिएगा अगर आपको नॉइज वगैरह आए। तो अभी तक 3 इशारे लग गए और मैं इधर ही खड़ा हूँ। पहली बार जब इशारा खुला है तो मैं पीछे बहुत था, तो मैं जब तक आगे आया हूँ इशारा बंद हो गया। दूसरा इशारा खुला है तो मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ तो मेरी बाइक बंद हो गई है, और तीसरा इशारा लग गया है। अब तीसरा इशारा खुलेगा तो मैं जाऊँगा। फाइनली बड़ी मुश्किल से इशारा खुला है, 3 इशारों के बाद मैं आया हूँ। ट्रैफिक भी जाम इसी तरीके से होती है, इशारा तो बंद कर ला। ट्रैफिक भी जाम इसी तरह से होती है कि 3 मतलब कि 1 इशारा लगा है ना उसका सेकंड होते हैं 30 सेकंड होते हैं, 30 सेकंड के बाद इशारा फेल हो जाएगा। तो जब तक पिछली ट्रैफिक जो है वो आगे आती है, पिछली गाड़ियां जो आगे आती हैं, तब तक इशारा ही बंद हो जाता है। वो पीछे से और ट्रैफिक आके उसके पीछे लग जाती है। अगला इशारा खुलता है तो वो फिर दोबारा, जैसे मेरे 3 इशारों के बाद मैं आया हूँ, तो मतलब कि मैं 1.5 मिनट खड़ा रहा हूँ रोड के ऊपर, तो पीछे इतना बड़ा जाम लग जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं होती। फाइनली मार्केट तो पहुँच गया हूँ, जो इनकी शॉप होती है ना पीछे जाके है, इधर से पीछे को जाके ना उधर है, ये देखें सारी शॉप्स बंद है। मतलब कि इत्थे आ गए इस हिसाब हो जाता कि अंदरून लाहौर नहीं जड़ा, इहदी बैक साइड इस तरह वा जिस तरह अंदरून लाहौर होंदा। फाइनली पावर बैंक वगैरह ले लिया है, और यार आप इनका हाल चेक करें, पूरे 6 दिन के बाद मैंने पावर बैंक आज लिए हैं। देखें यार ये देखें, ये सारी खुली हुई है, और ये देखें यहाँ से भी खुली हुई है, ठीक है। और ये देखिए आगे से मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार इसके ऊपर ना एल्फी शेल्फी लगा दे थोड़ी सी, कि यार वो तो नहीं है हमारे पास, वो ना आप ऐसा करें 20 रुपए की ना बाहर से ले लें। और प्राइस कितनी मुझे कितने की दोनों पावर बैंक के सही करके दी हैं, 1000 रुपीज़ की दो पावर बैंक के सही करके सिर्फ सही करके दी हैं। अब मुझे नहीं पता, मुझे कहता है कि सेल्फी चेंज किए हैं, ऐसे भी किया है, फ्लाम भी किया है, मतलब क्या बनेगा यार पाकिस्तान का, वेरी बैड। अभी अभी मैं जाने लगा था, चौबीस यहाँ पर देख सकते हैं आप, इधर ये टाउनशिप का अचार है मार्केट का, तो यहाँ पर मैंने रखी हुई है, अगर कोई किसी भी चैलेंज है ले जाए। यार कितना रश है, कितना रश है। वैसे तो इधर से मुझे शॉर्टकट पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है तो मैं इधर से नहीं जाऊँगा। ये टाउनशिप वाली रोड है मार्केट की, इधर बहुत ज्यादा रश होगा, मैं इधर से जाऊँगा अल्लाह गोल चक्कर वाली साइड से, इधर से कम रश मिलेगा, सफर ज्यादा है आज तो इधर भी बड़ा रश है। लेकिन इधर से मैं फिर भी जल्दी पहुँच जाऊँगा क्योंकि ये बड़ी रोड है, बड़ा यहाँ से मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। भाई बड़े गौर से देख रहा है, हेलो हेलो कर दो। यार जो पब्लिक के रिएक्शन होते हैं ना वो बड़े कमाल के होते हैं। पहले पहले मैं बहुत नर्वस हो जाता था जब लोग ऐसे देखते थे ना मेरी तरफ, मैं बड़ा नर्वस हो जाना, भाई मुझसे बात ही नहीं होनी, मैं जो बात करने लगा वो मैंने भूल जानी, मुझे पता ही नहीं लगना मैंने बात क्या करनी है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, अब आपका भाई एक नंबर हो गया है, अब जहाँ पे मर्जी ले जाए अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे जाके ब्लॉगिंग शुरू कर दूंगा मैं। लो जी मूसा डरे मौत तो दे, मौत दे पीछे ठहर जा बढ़िया का दिया। मैं उधर रश तो भजया वहाँ, इधर मैंने उतना ही पता रश लग गया लग गया जी। ये देखें यहाँ पे भी कैसे देख रहे हैं, ये पब्लिक का जो रिएक्शन है ना। ये देखें उधर थोड़ा सा रश था उस रोड पे, लेकिन ये रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड ऐसे ही होती है, ये मतलब के सुकून से और यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, इधर कोई मसला नहीं है, ये कॉलेज रोड है, इधर से आप से इजीली सफर कर सकते हैं। यार बाकी जड़ी ठंड हुई
यार उसने मेरा बड़ा दिमाग खराब कर दिया। मैं उधर कम से कम 5 से 10 मिनट खड़ा रहा। उसने ये देखो ना, जब मैं पावर बैंक देने के लिए गया था ना उसको, जी भाई और ठीक ठाक है आप यार, आप कोई मसला नहीं है यार, अभी सही कर देते हैं। वो मतलब कि उसका वो लहजा ही और था। अब जब लेने वाले गया हूँ, मैंने उसको पैसे पकड़ा दिए हैं, उसके बाद मैंने ये बात की कि यार यहाँ पे ना थोड़ी सी ग्लू लगा दे, ये थोड़ा सा मतलब नीचे ना गिरेगी तो नीचे खुलेगी नहीं। नहीं भाई हमारे पास ग्लू नहीं है। ऐ कड़ी गल होगी भाई, कहना यार आप ऐसा करें ना 20 रुपए की बाहर सेल्फी ले लें। और मैं हजे 20 दी, मैं 12 की सेल्फी लेनी सी, फिर तेन मैं 1000 रुपया साइया में देता। चलो खैर कोई नहीं, हाँ कर दे। अब से मैंने एक और चीज आजमाई है कि अब से पब्लिक के रिएक्शन जो होते हैं ना, वो भी मैं नोट किया करूंगा, वो भी मैं बीच में लिया करूंगा अपने ब्लॉग के अंदर। पहले मैं कट कर देता था, तब एडिटिंग के टाइम ना मैं ब्लॉग के अंदर लेता ही नहीं था मैं पब्लिक के रिएक्शन ना। तो अब से मैंने एक और किया है कि पब्लिक के रिएक्शन सबसे ज्यादा ही आपको मेरे ब्लॉग के अंदर नजर आया करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है मेरे वैसे। ओ भाई इशारा लग गया, ठहर जा, पिछों घंटियां मारी आंदे वा, एडा कोई काला वा। बाकी गल्ला यार ठंड बहुत है, की बनेगा मरासियों का। फाइनली मैं घर आ गया हूँ। आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो करो ना यार, ठोक दियो सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तो बटन तोड़ दियो, उंगली मार दे। फिर मिलते हैं कल को नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, हाथ सेक लियो। I just gotta get through, cause I feel like taking